ग्रोसरीज लेने जा रहे हैं सैटरडे की। आओ चलते हैं। तो गई तो थी मैं ग्रोसरीज करने के लिए, लेकिन वो मैंने कर ली, सेलेक्ट कर लिया, ऑर्डर कर दिया, मतलब बिल विल पे कर दिया, वो होम डिलीवरी करेगा। और रास्ते में हमें दिख गई एक शॉप और मैं वहाँ से लेके आई हूँ अपनी फेवरेट सुला विनियार्ड्स की शेने ब्लां। बहुत अमेजिंग है, मतलब ये मैं वैसे वाइन वगैरह इतना पीती नहीं हूँ, वाइन वगैरह क्या कुछ भी नहीं पीती हूँ, ब्रीजर तक ठीक था, बट ये वाला एक इट्स नॉट वेरी बिटर और बहुत ही अच्छी स्वीट सी है। अगर स्वीट वाइन किसी को पसंद है तो दे कैन ट्राई दिस, बहुत अच्छी है, आई लाइक इट। तो ग्रोसरी एक चीज़ थी, वाइन एक चीज़ थी, और ये मैं ये भी लेके आई हूँ। और नेल पेंट्स ऐसा है कि मुझे बचपन से शौक है, बचपन से, मतलब नेल्स कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में। और वैसे मैं सच्ची बताऊँ तो मैं नेल्स पर जाती हूँ और मैं हमेशा वहीं से जेल पॉलिश, और यूएस में तो मैं वो डिप वाला करवाती थी, पाउडर नेल पेंट, तो वो क्योंकि स्टिक रहता है और मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो बहुत हमेशा सुंदर लगता है। तो मैं जब अगली बार नेल्स पर जाऊँगी तो वो तो डालूँगी ही डालूँगी, बट फॉर नाउ मतलब ये कलर मुझे बड़े टेम्पटिंग से लगे थे। तो एक तो है सबसे पहले इसमें येलो कलर, जो मुझे लगा था गोल्डन है बट अच्छा सा येलो है, इट्स लाइक दिस, इफ यू कैन सी दिस इज द येलो, अच्छा लग रहा है, इट्स नाइस, और मुझे अच्छे लगते हैं येलो कलर पेल हैंड्स। और एक है ये पीच, पीचेस एंड पिंक्स आर माय फेवरेट शेड्स, तो ये है एक, ये भी प्यारा सा है, आई लाइक इट। और ये जो तीसरा वाला है ब्लू, ये वाला, ये मुझे देव ने दिलवाया है, देव को अच्छा लगा था, तो कभी कभी थोड़ा वाइल्ड भी हो जाना चाहिए, इट्स ओके। तो ये मैं तीन नेल पेंट ले आई थी ऐसे ही, मतलब नेल पेंट्स तो बचपन से मैं जहाँ भी जाती थी, मतलब हॉस्टल में मेरे पास मुझे याद है 28-30 ऐसे मैं इकट्ठे खरीदती थी नेल पेंट्स। और मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते थे, मतलब अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको याद आएगा कि ग्रीन कलर हो चाहे ग्रे कलर हो, जो भी, मतलब ड्रेस का मैचिंग का नेल पेंट मुझे लगाने का बहुत शौक होता था और मेरे पास होते भी थे। तो ये नेल पेंट्स लेके आई थी। और मैं लेके आई हूँ ये वाला एक टर्टल, बड़ा प्यारा सा, मतलब टर्टल्स से मुझे बचपन से प्यार है और टर्टल बोलते हैं कि घर में रखने से बहुत अच्छा रहता है। तो ये क्रिस्टल टर्टल है, मैं आपको दिखाती हूँ उठा के, देखिए कितना प्यारा है, क्यूट सा एकदम। तो ये मैं लेके आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे मैंने रखा हुआ है। तो मैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके, मतलब जाती हूँ मैं किसी और चीज़ के लिए लेकिन मैं करके आ जाती हूँ कुछ और, और मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग यही करते होंगे, जाते होंगे एक चीज़ के लिए और लेके आ जाते होंगे बहुत सारी चीज़ें। अभी पता है टाइम हो रहा है 11:30, बहुत रात हो गई है और डिनर वगैरह ऑब्वियसली हमारा हो ही चुका है, सब कुछ हो गया, आज हमने चम्पी की है, सर में एकदम अच्छे से तेल लगा हुआ है, फेस क्लीन, सब कुछ हो चुका है, अब बस सोने की तैयारी है। लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो मैं बनाती हूँ, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बना के डालूंगी, पर मेरे से हो नहीं पा रहा है, ऐसा रिदम नहीं मिल रहा है अभी तक, और लेकिन कोशिश मैं करती रहूँगी हमेशा कि जल्दी आए। और आज मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि एक व्लॉग तो मैं डालूंगी आज, जो भी हो, जैसा भी हो, छोटा हो, कैसा भी हो, कुछ भी करते हुए हो डालूंगी। और अभी मेरी एडिटिंग बची हुई है जो कि मैं करके ही सोऊंगी, अभी मैं करूंगी ये बातें ख़त्म करने के बाद मैं एडिटिंग करूंगी और उसको पोस्ट भी करूंगी। तो ये वाली बात थी, कोशिश मैं हमेशा करती रहूँगी कि मेरे वीडियोज़ जल्दी जल्दी आएँ, बाकी तो सब देखते हैं सर्कमस्टांसेस कैसे होते हैं और कैसे मुझे रिदम मिलेगा। तो हेल्प मी इफ़ यू हैव एनी सजेशंस कि क्या कर सकते हैं, एंड इफ़ यू सजेस्ट मी कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक या फिर लाइक व्हाट यू वांट टू नो अबाउट और एनी काइंड ऑफ वीडियोस, सो आई विल ट्राई टू डू दैट। तो प्लीज़ बताइएगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। दैट इज़ ऑल फॉर टुनाइट।
फॉर टुडे. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय, गुड नाइट. साइनिंग ऑफ, एशा.